हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन है वो है जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक चलने वाली डबल डेकर एसी एक्सप्रेस। दोस्तों, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो की फरमाइश की है काव्यांश शर्मा ने। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल बटन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। वन टू नाइन एट फाइव जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में चलने वाली ऐसी डबल डेकर एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के टोटल डिस्टेंस 304 किलोमीटर को कवर करती है 4 घंटे व 30 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशनेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा व इसकी एवरेज स्पीड है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्थ रेलवे और यह हफ्ते के सातों दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। दोस्तों, यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में मात्र 4 स्टेशनों पर ठहरती है और यह एक डबल डेकर सीरीज की ट्रेन है। दोस्तों, इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास के वातानुकूलित कोच है, जिसका जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक का किराया है 1190 रुपए। ऐसी चेयर क्लास के कोच है दोस्तों, जिसका किराया है 490 रुपए, जिसमें GST वगैरह सब शामिल है। दोस्तों, बच्चों और सीनियर सिटीजन को इस किराए में छूट भी दी जाती है, पर फिर भी यह किराया अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड किराए को जानने के लिए आप रेलवे के टिकट काउंटर से एक बार कंफर्म अवश्य करें। इस ट्रेन में दोस्तों आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को दोस्तों जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक तुगलकाबाद लोको शेड के WDM-3A, WDP-4 या फिर WDP-4D इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या है। दोस्तों, जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में चलने वाली एसी डबल डेकर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 6 बजे जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। और दोस्तों, जयपुर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है जयपुर गांधीनगर। सुबह के 6:09 पर यह ट्रेन यहां पहुंचती है और करीबन 1 मिनट रुकने के बाद 6:10 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अलवर जंक्शन सुबह के 7:48 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 7:50 पर यह ट्रेन अलवर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और अलवर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 151 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुड़गांव सुबह के 9:36 पर और 2 मिनट रुकने के बाद 9:38 पर यह ट्रेन गुड़गांव से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली केंट सुबह के 9:54 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 9:56 पर यह ट्रेन दिल्ली केंट से भी रवाना हो जाती है। और दोस्तों, दिल्ली केंट तक यह ट्रेन अपनी 293 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉप दिल्ली सराय रोहिला सुबह के 10:30 पर और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 304 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों, ये थी जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में चलने वाली ऐसी डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।